उत्तर प्रदेश पुलिस सभी एग्जामिनेशन के लिए हेल्पलाइन नंबर पिछले बार एग्जाम में पूछे गए थे और इस बार भी पूछे जाने के लिए परम संभावित है। आपको 17 18 फरवरी में जो पेपर हुआ था चारों शिफ्ट में एक हेल्पलाइन नंबर आया था और इस बार भी पेपर में एक हेल्पलाइन नंबर आएगा निश्चित है। 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा, अच्छे तरीके से कंप्लीट करते हैं। आइए देखिए सबसे पहली बातें कि इन हेल्पलाइन नंबर की आवश्यकता क्यों पड़ती है। यह जो नंबर है यह सहायता वाले नंबर है, स्पष्ट लिखा है हेल्पलाइन नंबर, यानी कि आपको सहायता उपलब्ध कराने के लिए। आपको पता है कि जैसे मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश में अलग अलग विभाग हैं। आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में अलग अलग विभाग हैं और हर अलग अलग विभागों की पहुंच एक आम आदमी तक है, गांव के आदमी से लगाए शहर के आदमी तक इसकी पहुंच है। तो अगर हर अलग अलग विभाग, जैसे आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के हर अलग अलग विभागों में जन सहायता के लिए विभाग बनाए जाते हैं और वह जन सहायता जो है आम आदमी तक पहुंचाई जाती है, उस आम आदमी के साथ कोई घोटाला ना हो, उस आम आदमी के साथ कोई वैसी चीजें ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, इसके लिए हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है। कुछ हेल्पलाइन नंबर उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किए हैं और कुछ हेल्पलाइन नंबर भारत सरकार ने जारी किए हैं। दोनों आपके एग्जामिनेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, इसको देखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी विभाग भारत में काम करता है, उस वह विभाग भ्रष्टाचार कर रहा है, एक आम आदमी के साथ भ्रष्टाचार कर रहा है, तो इसकी सूचना आप डायरेक्ट उस विभाग के मुख्यालय पर तो देंगे नहीं, तो वह मुख्यालय, उस विभाग का मुख्यालय हेल्पलाइन नंबर जारी करता है, अपना एक नंबर जारी करता है। उस नंबर पर फोन करके आपसे पता पूछा जाएगा, आपके आपका मैटर पूछा जाएगा, आप अपनी शिकायत उसको फोन करके बता सकते हैं। इसी प्रकार से कुछ ऐप या पोर्टल बनाए जाते हैं, उस ऐप या पोर्टल पर अपनी शिकायत आप दर्ज कर सकते हैं। चलिए फिलहाल यहाँ पर बात करते हैं जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला है, एक है 1076। एक हेल्पलाइन नंबर है 1076। यह जो 1076 हेल्पलाइन नंबर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़ा हुआ है, यानी कि यह उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर है। 1076 है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर है, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर है। कोई भी ऐसी सूचना जो आपको लगे कि हाँ उत्तर प्रदेश राज्य में भ्रष्टाचार हो रहा है या ऐसी चीजें गलत हो रही है, तो आप 1076 पर कॉल करके बता सकते हैं। प्रश्न पूछा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर कितना है, 1076 है, याद रखेंगे, बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा आपको पता है 1077 एक हेल्पलाइन नंबर है, 1077 यह किसका है, तो 1077 जो हेल्पलाइन नंबर है उत्तर प्रदेश में आपको पता है पीडीएस द्वारा, यानी कि आपको पता है उत्तर प्रदेश में राशन वितरण होता है, पता है आपको राशन वितरण में जो यूनिट है, जो मानक है, उस मानक के अतिरिक्त उस मानक में अगर भ्रष्टाचार हो, उत्तर प्रदेश में जो राशन वितरण होता है, राशन वितरण में अगर भ्रष्टाचार हो, तो 1077 पर आप कंप्लेन कर सकते हैं। 1077 जो है याद रखेंगे कि अगर कोई ठेकेदार राशन में घोटाला करे, राशन को सही ढंग से न दे, राशन वितरण में असावधानी बरते, तो 1077 पर आप कॉल कर सकते हैं। तो दो नंबर याद रखिएगा, 1076 1077, क्लियर है। इसके बाद एक आता है कि रेलवे पूछताछ के लिए, रेलवे पूछताछ के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है 1039 दिखाई दे रहा है यहाँ पे, रेलवे जी पूछताछ के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है 1039 है, याद रखेंगे। रेलवे पूछताछ के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है वो कितना है, 1039 है, याद रखेंगे। लेकिन अगर अगर रेलवे में है ना, यानी कि ट्रेन में कोई महिला पीड़ित है, तो इसके लिए रेलवे के अंदर हेल्पलाइन नंबर, जब महिला रेलवे के अंदर अगर कोई महिला पीड़ित है तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर है 182, कितना है 182। अगर कहीं रेल की दुर्घटना हो जाती है तो रेल दुर्घटना पर सहायता प्राप्त करने के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है वो 1073 है, कितना है 1072 है। तो समझेंगे इन सब चीजों को कि अगर रेल, सुनिएगा पहला पॉइंट का मैंने लिखा कि रेलवे पूछताछ कितना है 139, एक मिनट देखिएगा, मैंने पूछा रेलवे पूछताछ कितना है 1039, 139, रेलवे दुर्घटना
पटरी से उतर जाए, रेलवे दुर्घटना हो गई, किसी बोगी में आग लग गई, तो उसके लिए जो सहायता प्राप्त करने का जो हेल्पलाइन नंबर है 1072 है। कितना है? 1072। लेकिन रेलवे में अगर कोई महिला पीड़ित है, ट्रेन में अगर कोई महिला पीड़ित है, किसी भी चीज को लेकर पीड़ित है, तो आपको पता है कितना से कॉल करना होगा? 1082 से। यह हेल्पलाइन नंबर है। अच्छा, महिला पीड़ित के लिए हेल्पलाइन नंबर कुछ और है। देखिए, अगर बात करें महिला संरक्षण के लिए, महिला संरक्षण हेल्पलाइन नंबर, तो महिला संरक्षण हेल्पलाइन नंबर यह उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किया गया है। यह 1090। दोनों सुनिएगा, अगर रेलवे में महिला पीड़ित है तो 1182। लेकिन महिला संरक्षण, महिलाओं का संरक्षण करने के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है वो 1090 है। 1090 है। कुछ और बात आप इससे समझेंगे, महिला संरक्षण हेल्पलाइन नंबर 1090 है, 1090 के साथ साथ कभी कभी 1091 भी देता है। महिला संरक्षण हेल्पलाइन नंबर 1090 के साथ साथ 1090 तो देगा ही, कभी कभी 1091 भी देता है। तो दोनों समझिए, यह दोनों का संबंध महिलाओं से है। 1090 जो है वह महिला संरक्षण है। अगर किसी महिला के साथ कोई जाति होती है, कोई उसके साथ अभद्र टिप्पणी होती है, या महिला के साथ कुछ दुष्कर्म होता है या इत्यादि पर, महिला के संरक्षण के लिए जो नंबर है वह 1090 है। कितना है? 1090, 1090। लेकिन 1091 किसका है? तो 1091 है, याद रखेंगे कि घरेलू महिला के लिए। किसके लिए? घरेलू महिला संरक्षण के लिए, घरेलू महिला संरक्षण के लिए। अब एक घरेलू महिला संरक्षण क्या है कि अगर किसी महिला को दहेज के लिए उत्पीड़न किया गया है, अगर किसी महिला को उसके जाति पर टिप्पणी किया जा रहा है, अगर किसी महिला को उसके अवस्था पर टिप्पणी किया जा रहा है, यानी कि यह दहेज के उत्पीड़न के लिए ये उसके ससुराल को अगर गाली दिया जाता है कि आपका ऐसा घर है, इस समाज के हैं, इस चीज के हैं, उसके लिए, ये देखिए महिला उत्पीड़न के लिए है, ये दोनों महिला संरक्षण हेल्पलाइन नंबर 1090। लेकिन अगर किसी महिला को दहेज के लिए टिप्पणियां किया जाए, उसके शादी विवाह के लिए टिप्पणियां किया जाए, उसके जाति वंश के लिए टिप्पणियां किया जाए, तो 1091 होगा। 1091 होगा। आपको पता है सन 2005 का एक नियम है, सन 2005 में जितने भी घरेलू महिलाएं थीं, घरेलू महिला के लिए, अच्छा घरेलू महिला कब होगी? जब उसका शादी विवाह हो जाता है तो महिला घरेलू हो जाती है। घरेलू महिला संरक्षण अधिनियम, याद रखिएगा, घरेलू महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में आया। क्वेश्चन पूछा गया है कि घरेलू महिला संरक्षण अधिनियम कब आया, तो क्या बताएंगे? 2005 में। तो इतना डेटा मैंने बताया, याद करिए। 1076 क्या है? मुख्यमंत्री है। यहां पर बात करते हैं 1077 क्या है, मिटा दिए क्या? 1077 क्या है कि अगर कोई राशन वितरण करता राशन में घोटाला करे, राशन देने में घोटाला करे, तो 1077 पर हेल्पलाइन पर कॉल करके उस गांव के प्रधान और उस कौन है जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसके खिलाफ कंप्लेन जारी कर सकते हैं। रेलवे दुर्घटना 1072 है। रेलवे पूछताछ के लिए 139 है। लेकिन रेलवे में अगर कोई महिला पीड़ित है तो 182 है। यहां से 1090 और 1091, यह दोनों भी हेल्पलाइन आप याद रखेंगे। क्लियर है? अब देखिए, एक आता है कि अगर आपका सड़क पर दुर्घटना हो जाए, ध्यान से सुनिए, सड़क पर दुर्घटना होती है, यहां लिख दे, दिखाई दे रहा होगा। देखिए, अगर आपका सड़क पर दुर्घटना होता है, सड़क पर दुर्घटना, तो सड़क दुर्घटना के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है 1073 है। कितना है? 1073। सड़क पर दुर्घटना के लिए, अगर किसी रोड पर दुर्घटना हो जाती है, एम्बुलेंस की बात नहीं कर रहे हैं आप, इतना याद रखिएगा, सड़क पर दुर्घटना हो तो, सड़क पर दुर्घटना अगर होती है तो आप 1073 पर हेल्पलाइन पर कॉल करके अगर बताते हैं कि मैं इस सड़क पर गिरा पड़ा हूं, तो 1073 वाला फोन करेगा एम्बुलेंस को, एम्बुलेंस आपको उठाने आएगी। यानी कि आप डायरेक्ट एम्बुलेंस को नहीं फोन करें, डायरेक्ट 1073 पर फोन करें तो भी आपकी बात बन जाएगी। सड़क पर अगर दुर्घटना हो तो 1073 पर आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन वही दुर्घटना नेशनल हाईवे पर हो तो 1033 पर आपको कॉल करना होगा। यानी कि ऐसे बोल दे, नेशनल हाईवे पर दुर्घटना हो तो आपको किस पर? 1033 पर कॉल करना होगा। किस पर कॉल करना होगा? 1033 पर कॉल करना होगा। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा कि अगर नेशनल हाईवे पर दुर्घटना हो तो 1033 पर, और सड़क पर दुर्घटना हो तो 1073 पर आपको फोन करना होगा। क्लियर? चलिए, अगला आता है साइबर अपराध। क्लियर है? साइबर अपराध के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है वह 1930 है।
साइबर अपराध के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है 1930 है, याद रखिएगा, साइबर अपराध के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 है। अगर कोई सोशल मीडिया से आपको गाली दे रहा है, सोशल मीडिया से अभद्र टिप्पणी कर रहा है, सोशल मीडिया से आपका वीडियो फालतू बनाकर वायरल कर रहा है, सोशल मीडिया से आपके शरीर के साथ कोई छेड़खानी कर रहा है, सोशल मीडिया का प्रयोग करके आपके अकाउंट के साथ कोई छेड़खानी कर रहा है, या सूचना का प्रयोग करके कुछ आपके साथ, आपके मोबाइल के साथ या आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ कोई छेड़खानी कर रहा है, तो सारे के सारे साइबर क्राइम में आते हैं। सारे के सारे साइबर क्राइम में आते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम का अगर कोई गलत प्रयोग करता है तो सबका सब साइबर क्राइम है भाई। और साइबर क्राइम के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है वह 1930 है। साइबर क्राइम के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है वह 1930 है, याद रखेंगे। साइबर क्राइम का जो हेल्पलाइन नंबर है वह 1930 है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साइबर क्राइम का हेल्पलाइन नंबर 1930, इसको याद रखेंगे। अच्छा, आ जाते हैं, दो तीन बातें हैं मिटा कर लिख देते हैं। एम्बुलेंस के लिए लिख देते हैं, है ना, आपातकालीन लिखते हैं, देखिएगा। एम्बुलेंस के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या क्या है, ये सब चीजें आपको पता है ना, सब चीजें आपको पता है। देखिए, एम्बुलेंस के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है ये दो प्रकार का है। एम्बुलेंस के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है वो कितने प्रकार का है, दो प्रकार का। एक है 102 और एक है 108। 101 मत करिएगा महाराज, 101 रुपया से तो आगे लग जाता है, यानी कि 101 फायर का है। यानी कि 101 अगर मैं हेल्पलाइन की बात करूं कि 101 हेल्पलाइन किसका है, तो फायर ब्रिगेड का। किसका है? फायर ब्रिगेड का है। फायर ब्रिगेड का यानी कि आग बुझाने वाली गाड़ी का, अग्निशामक गाड़ी का। किसका है? अग्निशामक गाड़ी का, अग्निशामक वाहन का है, आग बुझाने के लिए। आग बुझाने के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है वह 1101 है। कितना है? 101, 101 है आग बुझाने वाली गाड़ी के लिए। तो प्रश्न ऐसे कई बार पूछा जाता है कि अगर किसी ऑफिस, किसी स्कूल, किसी हॉस्पिटल, कहीं पर भी अगर आग लगता है तो किस नंबर पर आप कॉल करेंगे? 101 पर, आग बुझाना है, ठीक है। अब देखिए, एम्बुलेंस दो प्रकार की एम्बुलेंस है। एक एम्बुलेंस का हेल्पलाइन नंबर है 102 और एक एम्बुलेंस का हेल्पलाइन नंबर है 108। इतना आपको कॉमन सेंस होना चाहिए कि एम्बुलेंस तभी आती है जब हमें आवश्यकता पड़ती है, फालतू में कहीं घूमने के लिए बुलाएगा नहीं। तो 102 जो हेल्प एम्बुलेंस जो आता है, 102 नंबर पर आप फोन करेंगे तो 102 नंबर वाला, याद रखिएगा, यह प्रेगनेंसी में आता है। प्रेगनेंसी में यानी कि किसी महिला को प्रसव पीड़ा हो, डिलीवरी होना हो, प्रेगनेंसी का अगर मैटर हो, तो 102 पर कॉल करके एम्बुलेंस बुलाएंगे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर किसी महिला को प्रसव पीड़ा हो, प्रेगनेंसी का हो, लेबर पेन हो, अगर प्रेगनेंसी का मैटर है, गर्भधारण का मैटर है, तो याद रखेंगे एम्बुलेंस किस नंबर पर आएगा? 102 पर। लेकिन अगर कहीं आपकी दुर्घटना हो गई, कहीं पर आपका एक्सीडेंट हो गया, कहीं पर आप चोटिल हो गए हैं, प्रेगनेंसी का मैटर ना हो, तब आप किस पर करेंगे? 108 पर। आपको पता है सड़क पर दुर्घटना होता है तो 1073 है, याद रखेंगे। राजमार्ग पर, नेशनल हाईवे पर दुर्घटना होता है तो 1033 है। अगर इन पर भी फोन करते हैं ना, इन पर भी फोन करते हैं, तो यह लोग कॉल ट्रांसफर करते हैं एम्बुलेंस को, और एम्बुलेंस को लोकेशन भेजते हैं, और वहां पर एम्बुलेंस पहुंचता है, याद रखेंगे। 102 जो हेल्पलाइन नंबर है वह प्रेग्नेंट महिला के लिए है। अच्छा, एक हेल्पलाइन नंबर 1926 जो हेल्पलाइन नंबर है यह वन विभाग का है। 1926 जो हेल्पलाइन नंबर है वन विभाग का, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 1551, याद रखिएगा। 1551 पहले जब दूरदर्शन देता तो उसमें बताया जाता था। 1551 एक किसान हेल्पलाइन नंबर है, यानी कि 1551 155 1 जो है 1551 किसान हेल्पलाइन नंबर है, किसान हेल्पलाइन नंबर है, इसको याद रखेंगे। 1551 किसान हेल्पलाइन नंबर है। अभी कुछ छूटा है कि नहीं, इसमें छूटा है, ठीक है, रेल दुर्घटना हो गया। अच्छा, एक है LPG अगर लीक हो जाता है, मिटाते जाए, लिख तो रही है, मतलब लिखना क्या है, याद हो ही जाएगा। अगर LPG का सिलेंडर लीक हो जाए, सुनिएगा, LPG का सिलेंडर लीक हो, तो अब देखिए,
आपको एलपीजी का सिलेंडर लीक हो तो भाई जब तक हो सके आपका फोन करें हेल्पलाइन नंबर पर, जब तक वहां से लोग आए तब तक आपके घर में आग लग जाए। तो आपको सुरक्षा सावधानियां की भी जानकारी होनी चाहिए कि लीक सिलेंडर हो तब कैसे बचा जा सकता है। भारी मात्रा में लीक है तो आप 1906 हेल्पलाइन पर फोन करेंगे। किस पर फोन करेंगे? 1906 हेल्पलाइन पर फोन करेंगे। एलपीजी सिलेंडर अगर लीक होता है तो किस पर? 1906 पर आप फोन करेंगे। अगला देखिए, एक हेल्पलाइन नंबर है 1910। ये 1910 हेल्पलाइन नंबर सबको पता होगा, मैं बोल नहीं रहा हूं। 1910 10 जो है, 1910 जो हेल्पलाइन नंबर है वह ब्लड बैंक का हेल्पलाइन नंबर है। किसका है भाई? ब्लड बैंक का हेल्पलाइन नंबर है। ब्लड बैंक का हेल्पलाइन नंबर 1910 है। अगर आपको भारत में कहीं भी खून की आवश्यकता होती है तो 1910 पर फोन करके अपने ब्लड ग्रुप और खून के बारे में जानकारी दीजिए। आप अपना खून दीजिए, वो ब्लड बैंक में जमा होगा और उस कैटेगरी, उस यूनिट, उस ग्रुप का ब्लड आपको वहां से मिल जाएगा। 1910, 16 नहीं है, 1910 है, 1910। अगला जो हेल्पलाइन नंबर है बच्चों, कुछ बचा नहीं है लगभग। देखे, एक मौसम विभाग का है और एक है ग्राम बिजली विभाग का। देखे, मौसम विभाग का हेल्पलाइन नंबर है 1917, 1917, और ग्राम बिजली विभाग का हेल्पलाइन नंबर है 1911। यानी कि मौसम विभाग का अगर हेल्पलाइन नंबर की बात करें कि मौसम की जानकारी के लिए, मौसम विभाग का जो हेल्पलाइन नंबर है वह 1917 है, और 1911 जो गांव में बिजली की अनियमितता है, जैसे आज आपको बताएं कि लगभग परतौल एरिया में हड़ताल है, बिजली का हड़ताल है, जहां से हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं वहां से यह हड़ताल है, मतलब आज बिजली नहीं आएगी, दिन भर बिजली नहीं आएगी। सबसे पहला काम हड़ताल करने से पहले उनको 1911 पर फोन करके सूचना देनी चाहिए कि बिजली की अनियमितताएं हैं। जितने व्यक्ति हड़ताल में होंगे, बहुत कम लोगों को भी पता होगा कि 1911 बिजली हेल्पलाइन नंबर है, ग्रामीण एरिया में बिजली हेल्पलाइन नंबर सन 1911 है। 1911 बहुत कम लोगों को पता होगा, यह क्लियर है? चलिए नोट करिए, 1911 बिजली, ग्रामीण एरिया में बिजली, और 1917 मौसम विभाग की जानकारी प्राप्त करने के लिए है। नोट करें। चलिए जी, ये थोड़े से बचे हैं, इनको कंप्लीट कर लेते हैं, चैप्टर आपका समाप्त है, ध्यान से देखिएगा अच्छे तरीके से। एक है 1998, बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 18 सेकंड में पूछा गया था। 1998 जो हेल्पलाइन नंबर है वह बाल संरक्षण से जुड़ा हुआ है। यानी कि 1998 जो हेल्पलाइन नंबर है वो बालकों के संरक्षण से जुड़ा है, बालकों के हित है। जो हमारे बालक हैं, जो हमारे बालक पीढ़ी है, जो अभी किशोर हैं, तो बालकों के संरक्षण और बालकों के हित से जो हेल्पलाइन नंबर जुड़ा हुआ है वो 1098 है। यह बाल संरक्षण से जुड़ा हुआ है, यानी कि किशोरों के संरक्षण से जुड़ा हुआ है, किशोरों के संरक्षण से जुड़ा हुआ है, यानी कि बालकों को संरक्षण जो दिया जाएगा, बालक को जो संरक्षण दिया जाएगा, बाल संरक्षण से जुड़ा हुआ है 1998, यानी कि 1998 जो हेल्पलाइन नंबर है। यह हेल्पलाइन नंबर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 144 33 जो हेल्पलाइन नंबर है। रुकिएगा भाई एक मिनट, देखिएगा 144 33 जो हेल्पलाइन नंबर है, यह अगर कोई महिला मानवा अधिकार में शिकायत करना चाहे, देखिए 144 33 जो हेल्पलाइन नंबर है, अगर कोई महिला मानवा अधिकार आयोग में शिकायत दर्ज करना चाहे तो 1044 पर वह कॉल करेगी। यानी कि 144 जो हेल्पलाइन नंबर है, अगर कोई महिला मानवा अधिकार आयोग में शिकायत दर्ज करना चाहे तो 144 33 पर फोन करेगी। 155 200, 155 200 में है सैन्य पुलिस सहायता के लिए, यानी कि सेना के साथ पुलिस सहायता के लिए सैन्य पुलिस सहायता का हेल्पलाइन नंबर है। सैन्य पुलिस सहायता का हेल्पलाइन नंबर है। और भाई उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर देने जा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश पुलिस हेल्पलाइन नंबर जो है वह 112 है। 112 को ही बोला गया है आपातकालीन सेवा, आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112 को ही बोला गया है आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर, दिमाग में गांठ बांध लेंगे। 144 33 अगर कोई महिला मानवा अधिकार में शिकायत दर्ज करे तो 144 33 पर। 155 200 सैन्य पुलिस सहायता के लिए, सैन्य पुलिस सहायता के लिए। अगला है देखिए,
एंटी करप्शन भ्रष्टाचार निवारण के लिए, सुनिएगा, ऐसे क्वेश्चन देता है। अगर कोई आईएएस पीसीएस या पुलिस का बड़ा कर्मचारी या किसी पद पर बैठा हुआ सरकारी कर्मचारी अगर भ्रष्टाचार करे, रिश्वत मांगे, रिश्वत की मांग करे, बड़ा सा एक धन मांगने का प्रयास करे या उपहार मांगने का प्रयास करे, भ्रष्टाचार करे, तो उसके लिए जो हेल्पलाइन नंबर है तो उसको देखिए, भ्रष्टाचार को ही कहा जाता करप्शन, यानी कि एंटी करप्शन जो हेल्पलाइन नंबर है, भ्रष्टाचार निवारण, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जो हेल्पलाइन नंबर सरकार ने जारी किया है वह है 1064। क्या है 1064? प्रश्न ऐसे कहे, यदि कोई आईएएस पीसीएस अधिकारी, पुलिस अधिकारी, डीएम कलेक्टर इत्यादि जो भी है सरकारी पद पर आश्रित आदमी अगर किसी कार्य के लिए बड़ा सा उपहार या धन की पेशकश करता है कि आप इतना पेमेंट कर दीजिए हम आपका काम कर देंगे, तो वह आप अपने पद पर रहते हुए करप्शन करता है और उस करप्शन का जो हेल्पलाइन नंबर है 1064 है। कितना है भाई? 1064 है, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर। देखिए उपभोक्ता का कॉन्सेप्ट, कस्टमर का कॉन्सेप्ट कब आता है? जब कोई चीज खरीदा बेचा जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर है 1915। कितना है? 1915। जानते हैं क्वेश्चन कैसे पूछेगा? ये राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, अगर कोई दुकानदार या अगर कोई ऑनलाइन पोर्टल या अगर कोई ऑनलाइन साइट या दुकानदार अपने सामान से ज्यादा मूल्य लेता है, या एमआरपी से ज्यादा मूल्य पर बेचता है, अंकित मूल्य से ज्यादा मूल्य पर बेचता है, 5 रुपए की चीज 7 रुपए में बेचता है, इस प्रकार से एमआरपी से ज्यादा मूल्य लेता है, अपने सामान को ज्यादा मूल्य पर बेचता है, या एक्सपायर सामान को बेचता है, या जिस चीज की जितनी गारंटी उतनी गारंटी नहीं देता, 5 साल की गारंटी है 3 साल का दे रहा है, या 1 साल की गारंटी गारंटी नहीं देता है, गुणवत्ता में जानबूझ के कमी करता है, तो उसके लिए आप राष्ट्रीय, आपको पता है कि आप एक कस्टमर है, आप एक ग्राहक है, आपके साथ घोटाला हो रहा है, तो आपके साथ घोटाला न हो, सरकार इसके लिए 1915 हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। और यूपी पुलिस के हेल्पलाइन नंबर मुझे बताना नहीं है, सबको पता है, बात खत्म, याद कर लीजिएगा, बस इतना है, इतने में से एक क्वेश्चन मिल जाएगा। थैंक यू।